हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पूजा रेसिपी डॉट कॉम। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं वेज बर्गर। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बनाते हैं वेज बर्गर। तो फ्रेंड्स, वेज बर्गर बनाने के लिए हम सबसे पहले वेज बर्गर की स्टफिंग तैयार करेंगे। तो स्टफिंग तैयार करने के लिए मैंने एक कढ़ाई में ये थोड़ा सा कुकिंग ऑयल थोड़ा सा गर्म किया है। अब ये गर्म हो चुका है तो मैं सबसे पहले इसे जीरे से तड़का लगाऊंगी। जीरा तड़क गया है अच्छे से। अब इसमें हम थोड़ा सा कटा हुआ लहसुन और कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। इसको थोड़ा सा हम सुनहरा होने देंगे। इसके बाद में मैंने ये प्याज काट लिया था बारीक बारीक, ये ऐड करूँगी मैं इसमें। प्याज को थोड़ा सा हम गोल्डन ब्राउन होने देंगे। मैंने अभी फ्लेम लो मीडियम रखी हुई है, अभी मैं फ्लेम हाई कर दूंगी और हाई फ्लेम पे हमें ये आगे की प्रोसेस फॉलो करनी है। वेज बर्गर खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है और बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद होता है, खास करके इसका थोड़ा सा टेस्ट अच्छा बढ़िया टैंगी सा टेस्ट होता है जो बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अभी ये प्याज जो है वो भून चुका है। इसके बाद में मैंने आधा कप शिमला मिर्ची को लंबा लंबा काट लिया था, ये शिमला मिर्ची मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और शिमला मिर्ची को हम थोड़ा सा पका लेंगे, ज़्यादा नहीं पकाना है हमें, बस थोड़ा सा ही पकाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये शिमला मिर्च अभी थोड़ी सी पक चुकी है। इसके बाद में मैंने ये लगभग एक कप कटी हुई पत्ता गोभी ली है, ये इसमें मैं ऐड कर दूँगी और इसको भी थोड़ा सा पका लूँगी। पूरा गलने तक नहीं पकाना है हमें, बस थोड़ा कच्चा रखना है इसको और हाई फ्लेम पे पकाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो पत्ता गोभी और शिमला मिर्च है वो आधी पक चुकी है। इस स्टेज पे मैं इसमें एक कटा हुआ टमाटर ऐड कर दूँगी। तो देखिए, मैंने एक कटा हुआ टमाटर इसमें ऐड कर दिया है और इसको लगभग एक मिनट के लिए मैं और पका लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये शिमला मिर्च, टमाटर और पत्ता गोभी आधा पक चुका है। इस स्टेज से मैंने ये तीन बड़े पोटैटो जो हैं बॉईल करके मैश कर लिए हैं, वो इसमें मैं ऐड कर दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। उसके बाद में हम इसमें थोड़े मसाले ऐड करेंगे। मैंने आलू को इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया है। इस स्टेज पर हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। मैंने ये थोड़ा सा हल्दी पाउडर लिया है, हल्दी पाउडर मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और लगभग मैंने ये हाफ टी स्पून लाल मिर्ची पाउडर लिया है। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप और भी तीखा डाल सकते हैं। इसके बाद में मैंने ये थोड़ा पाव भाजी मसाला लिया है, थोड़ा सा गरम मसाला है और टेस्ट वाइज मैंने ये नमक लिया है। ये सब ऐड करके मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये अच्छे से मिक्स कर लिया है, सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स हो चुकी है। इस स्टेज पे हम इसमें थोड़ा सा टोमेटो सॉस ऐड करेंगे, इससे बहुत ही बढ़िया कलर और टैंगी सा टेस्ट आ जाता है। तो लगभग मैं इसमें 2 टीस्पून टोमेटो सॉस ऐड करूँगी और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हमारी स्टफिंग रेडी हो चुकी है, मैंने फ्लेम जो है वो बंद कर दिया, अच्छे से मिक्स कर लिया इसको। अभी मैं थोड़ा सा इसको हरे कटे हुए हरे धनिया से गार्निश कर दूंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी हमारी ये स्टफिंग तैयार हो चुकी है। तो चलिए हम बर्गर को स्टफ करना शुरू करते हैं। तो मैंने ये मार्केट से बर्गर ब्रेड मंगा ली है, बर्गर बन हमें रेडी मिलते हैं। तो इसमें मैं फिलिंग करना स्टार्ट करूँगी। तो इस तरह से हमें इसमें अच्छे से फिलिंग कर लेनी है। देखिए, इस तरह से हम इसमें अच्छे से फिलिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, जो मैंने बर्गर फिल किए हैं उनको रोस्ट करने के लिए मैंने ये फ्राइंग पैन गरम कर लिया है। इसमें मैं पहले थोड़ा सा बटर ऐड कर दूँगी। बटर को हम थोड़ा मेल्ट होने देंगे अच्छे से।
फटाफट हमारा मेल होने लग गया है। अभी हमने जो बर्गर सील किए थे उनको हम रख लेंगे ऐसे। अभी मैंने ये चीज़ क्यूब लिया है, इस पर थोड़ा सा मैं चीज़ क्रश करते हुए डाल दूँगी जैसे। दोनों बर्गर पे हमें चीज़ डाल देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये दूसरा बर्गर भी इसके ऊपर रख दिया है और अभी मैं इसको अच्छे से सेक लूँगी। हमने साइड चेंज कर दी है। इसी तरह से हमको दोनों साइड से इसको केयरफुली टर्न कर लेना है और अच्छे से इनको रोस्ट करना है। ये हमें लो फ्लेम पे करना है, हाई फ्लेम पे ये जल जाते हैं, इसलिए हमको ये लो फ्लेम पे करना होगा। इसके बाद में मैंने ये सीसम सीड या फिर तिल लिए हैं, ये मैं इनके दोनों साइड में ऐड कर दूँगी। और ये भी सिक जाते हैं अच्छे से, जब हम बर्गर को रोस्ट करते हैं तो सीसम सीड भी अच्छे से सिक जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बर्गर दोनों साइड से मैंने अच्छे से रोस्ट कर लिए हैं और बर्गर हमारा रेडी हो गया है। तो अभी हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इनको सर्व करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे ये वेज बर्गर जो है, ये तवा वेज बर्गर बोल सकते हैं हम इसको, ये रेडी टू ईट है। मैंने अच्छे से इसको सर्व कर दिया है। तो आप भी प्लीज़ ये रेसिपी को ट्राई करिए और यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। आपने यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नई रेसिपीज़ के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय।